नमस्ते एंड वेलकम टू स्पाइस अरोमा डॉट इन वेयर फूड इज लव एंड रिलीजन। जब भी हम बात करते हैं अनइंटरेस्टिंग सब्जियों की, लौकी उसमें सबसे नंबर वन आती है। लेकिन आज उसी अनइंटरेस्टिंग सब्जी से मैं बनाने जा रही हूँ एक नो ऑनियन नो गार्लिक रेसिपी, लौकी के कोफ्ते। चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं ग्रेटेड लौकी 1.5 कप, मीडियम साइज टमाटर रफली चॉप किए हुए 2, खसखस 2 टेबलस्पून, मगज 2 टेबलस्पून, टुकड़ा काजू 2 टेबलस्पून, तेल 4 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, बेसन 3 टेबलस्पून, चॉप की हुई धनिया की पत्तियां 3 टेबलस्पून, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, चॉप की हुई हरी मिर्च 1 टेबलस्पून, तलने के लिए तेल, नमक स्वाद अनुसार। पहले अपनी ग्रेवी की तैयारी के लिए एक खाली कप के अंदर खसखस, मेलन सीड्स यानी मगज और टुकड़े काजू को थोड़ा पानी डालकर भिगोने रख देंगे जब तक कि हम अपने कोफ्ते की तैयारी करते हैं। अब हम एक बड़े बाउल के ऊपर रखेंगे स्ट्रेनर यानी चलनी और इसके ऊपर डालेंगे ग्रेटेड लौकी। यहाँ पे मैं सारी लौकी स्ट्रेनर के ऊपर डाल रही हूँ और फिर चम्मच से दबाकर मैं लौकी का एक्स्ट्रा पानी इस तरह से निकाल लूंगी। हमें सारा पानी नहीं निकालना है, ये याद रखिएगा। अब हम अपने हाथ से थोड़े पोर्शन में ग्रेटेड लौकी को लेंगे और इस तरह से दबाकर इसका एक्स्ट्रा पानी जो चम्मच की सहायता से नहीं निकला वो निकाल लेंगे। लेकिन याद रखिए कि आपको 5-7% पानी छोड़ना है लौकी के अंदर। इसी तरह मैं थोड़े थोड़े बैचेस में लौकी जो ग्रेट की हुई है वो अपने हाथों में लूंगी और इस तरह से स्क्वीज करके पानी निकाल कर साइड में रख दूंगी। हमारी लौकी से पानी निकाल कर मैंने तैयार कर लिया है। अब हम लौकी को एक बाउल के अंदर वापस से डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे बेसन। करीब 3 टेबलस्पून बेसन डाला है मैंने यहाँ पर और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन को अच्छे से मिक्स करने के बाद लौकी के अंदर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चॉप की हुई हरी मिर्च, फिर ही 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, फिर हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। और फिर हम इसमें डालेंगे करीब 1-2 टेबलस्पून धनिया की पत्तियाँ चॉप की हुई और फिर हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। करने के बाद हम करीब 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे अपने लौकी के मिक्सचर के अंदर और वापस से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम अपने हाथों में भी थोड़ा सा तेल लगाकर लौकी के मिक्सचर को हाथ में लेंगे और इसे कोफ्ते का शेप दे देंगे। मैं यहाँ पे गोल शेप दे रही हूँ कोफ्ते को, आप चाहें तो लंबाई का शेप भी दे सकते हैं अपने कोफ्ते को। मैं अब सारे कोफ्ते इसी तरह बनाकर साइड में रख लूंगी एक प्लेट पे। इसी तरह मैंने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। अब हम कोफ्ते को तलने के लिए एक कढ़ाई के अंदर तेल डाल लेंगे और इसे हाई फ्लेम पे रखेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाता है हम उसके अंदर डालेंगे अपने कोफ्ते और मैंने अभी फ्लेम को मीडियम कर दिया है। हमने कोफ्तों को मीडियम टू लो टेम्परेचर पे ही तलना है। तो करीब 1-1.5 मिनट आप फ्लेम को मीडियम रखें, फिर करीब 1.5-2 मिनट आप फ्लेम को लो कर दें और फिर इसे पलट दें। मैं यहाँ पे कोफ्तों को अब टर्न कर दूंगी
ताकि वो दूसरे साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। अब थोड़ा केयरफुली इस प्रोसेस को कीजिए, क्योंकि लौकी के कोफ्ते थोड़े सॉफ्ट रहते हैं तो ये टूटने का डर रहता है, इसलिए धीरे धीरे करके आप कोफ्तों को पलट लीजिए। कोफ्तों को हम नीचे से एक बार चेक कर लेंगे, तो ये नीचे से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो हम इसे एक बार वापस से घुमा देंगे ताकि इसके कॉर्नर्स भी यानी साइड्स भी अच्छे से फ्राई हो जाएं। और फ्लेम को हम अभी भी लो रखेंगे। हमारे कोफ्ते फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं अब इनका कलर एकदम डार्क गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। तो अब हम इन्हें निकाल देंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। हमने जो शुरुआत में भिगोया था काजू, खसखस और मगज को, वो अब फूल के रेडी हो चुके हैं, तो हम मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डालेंगे टमाटर और फिर ये फूले हुए यानी सोक्ड काजू, खसखस और मगज इस तरह से हम निकाल कर डाल देंगे और इसका पानी छान लेंगे ताकि नीचे बैठे हुए सारे ड्राई फ्रूट्स निकल जाएं, और फिर इसके अंदर डाल देंगे हम यानी मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल देंगे। और फिर हम उसमें डाल देंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 टीस्पून मिर्ची चॉप की हुई। फिर जो पानी हमने छाना था वो करीब 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसे पीस लेंगे जब तक कि ये फाइन पेस्ट नहीं हो जाता है। तो ये देखिए, ये एकदम फाइन पेस्ट हो चुका है। अब एक पैन के अंदर मैंने करीब 3 टेबलस्पून तेल डाला और उसमें डाला 1 टीस्पून जीरा, वो मैं शूट करना भूल गई थी इसलिए अभी आपको बता रही हूँ। और वो जब जीरा चटक जाए तब हम इसमें डालेंगे अपना तैयार किया हुआ पेस्ट। अब हम अपने पेस्ट को और ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को अब लो कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे करीब 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और वापस से इसे मिक्स करके हम करीब 4 से 5 मिनट इसे लो टू मीडियम हीट पे ही सेक लेंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इसे सिकते हुए, तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो करीब 1 टीस्पून मैं यहाँ पे मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, फिर मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और फिर इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्लेम को अब मैं मीडियम कर दूंगी और इसे ऑयल सेपरेट होने तक अच्छे से सेक लूंगी। अब हम अपने मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डालेंगे करीब 1 कप पानी और सारा पेस्ट निकाल कर अपने ग्रेवी में डाल देंगे और फिर फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। ग्रेवी में अब बॉयल आ चुका है और ऑयल भी वापस से सेपरेट हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और फिर इसे वापस से हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फिर हम इसमें डालेंगे करीब 2 टेबलस्पून चॉप की हुई धनिया की पत्तियां और वापस से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि हमारी ग्रेवी रेडी है। अब हम एक सर्विंग डिश के अंदर डालेंगे अपने ग्रेवी को, तो हम 1/2 फिल करेंगे अपने सर्विंग डिश को और फिर डालेंगे इस पे कोफ्ते। मैंने यहाँ पे 2 कोफ्ते लिए और इसको सर्विंग डिश के अंदर डाला, फिर वापस से थोड़ी सी ग्रेवी ली और कोफ्तों के ऊपर डाला, गार्निश किया चॉप्ड धनिया की पत्तियों के साथ, और हमारा लौकी का कोफ्ता वो भी बिना प्याज और बिना लहसुन के रेडी। तो आप भी हमारी नो ऑनियन नो गार्लिक स्पेशल लौकी कोफ्ता ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। और हमारे अगले वीडियो तक खाइए, खिलाइए, खुशियाँ बांटिए।